the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Welcome back to another vlog. आज हम जा रहे हैं नैनीताल के लिए. ये है हमारे कुछ सामान. ये हमारा कैमरा है, ये देख लीजिए, ये DSLR का कैमरा है. और पीछे इसकी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है, यहाँ पर थोड़ी सी डाउन थी. और साथ में जा रहे हैं हम इनके, रास्ते में ही पड़ता है कि अच्छा वहाँ से हमें कुछ कपड़े खरीदने हैं इसके लिए. ठीक, तो उसके बाद हम निकलेंगे, फिर देखते हैं कितनी देर में हम पहुँचते हैं नैनीताल. शॉप में जो यहाँ के हमें शॉर्ट पैंटें लेनी है, कपड़े लेने थोड़े से. और अभी हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं. हम आ चुके हैं, वो देखिए पीछे पहाड़ दिख रहे हैं. अब वो आ रहे हैं पैदल रोमियो खान पीछे. हम तीन लोग आए थे इस गाड़ी से और यहाँ पर चेकिंग हो रही थी, तो पीछे ही हमने उन्हें फेंक दिया था वहाँ उतार के, ताकि चेकिंग के दौरान हमें पकड़ ना ले. अब वो आ रहे हैं पीछे पीछे आ रहे हैं. रॉयल रोमियो खान उनका नाम है और देखने में काफी हैंडसम नजर आएंगे आपको, ये देखिए. तो बस यही है, अभी हम रास्ते बस काफी ज्यादा फन करते हुए हम जा रहे हैं. और ये देखिए फाइनली आ चुके हैं. हम चलेंगे, स्टार्ट करेंगे बाइक. तो अभी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं. क्राउड है यहाँ पर, पीछे देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा क्राउड है. और ये देखिए चारों तरफ का. और ये है रॉयल रोमियो खान, अभी पीछे इनको देख रहे थे, हमने उतार दिया था कि भाई ये यहाँ फोटोशॉप कर रहे हैं. तो यहाँ रास्ते में लगभग 3-4 बार इन्हें उतारना पड़ा है, क्योंकि काफ़ी जगह चेक इन हुई थी. और आज वैसे भी यहाँ पर मज़ार है, ये नैनीताल इससे पहले हल्द्वानी पड़ता है, हल्द्वानी पे ही यहाँ पर मज़ार है. तो बहुत काठगोदाम है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है आज, क्योंकि यहाँ पर पूरा सा मज़ार है पीछे वहाँ पर, बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ है. तो अभी हम चलते हैं अपने स्थान पे जहाँ हमें निकलना है. तो बने रही वीडियो में, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. और वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें. यार पुलिस वाले आगे नहीं जाने दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नैनीताल के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, सो गाड़ियाँ किसी के आगे ही नहीं जाने दे रहे हैं. काफ़ी ज़्यादा लड़ झगड़ के चुप्पे से निकालना है हम तीन लोग. सिर्फ बस पैसे के लिए रोक रहे थे ये लोग, मेरे चाहिए थे पैसे, मुझसे 1000 रुपये मांगे थे जाने के. सारे काम आज ही होंगे, गाड़ी की लाइट भी आज ही डलेगी, कल नहीं डल सकती थी. कपड़े लेने थे तो वो भी आज ही लिए जाते, अरे कल लेने चाहिए थे. एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से अभी इस धूप में उनका लंच का टाइम हो गया. रॉयल इनफील्ड की यहाँ पर नैनीताल से पीछे पड़ता है रॉयल इनफील्ड की एजेंसी, वहाँ पर यहाँ पर ये लाइट डलाने आए, पीछे रॉयल रोमियो खान, आगे यहाँ पर ये रॉयल इनफील्ड. और बहुत गर्मी हो रही है और पीछे यहाँ पर व्यूज़ ऐसा. गाइस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं पुलिस वाले, हर एक मोड़ पे आगे खड़े हो जा रहे हैं. अब हम एजेंसी से आगे के लिए बढ़े हैं तो अब यहाँ भी रोक लिया, अब यहाँ आगे रोक लिया, अब बैग भगा रहे हैं कि नहीं, भीड़ ज़्यादा है नैनीताल में इसीलिए अलाउ नहीं है. अब हम भवाली होके नैनीताल जाएंगे. हाँ, ठीक है, लगभग 6-7 किलोमीटर दूर पड़ेगा. नहीं, और बात नहीं, भवाली भी नहीं आने दे रहे थे, लेकिन ये हमारे रोमियो खान अकेले लेके आए हैं और इधर ला कर रोक लिया. और हम वहाँ से पैदल पैदल आए, चुप्पे से निकल. क्या कह रहा था, क्या राजू मैं लोकल में जा रहा हूँ. तो गाइस नैनीताल का जो वातावरण है वो यहाँ से चेंज हो गया है, हवाएं जो है वो ठंडी ठंडी लगने लगी हैं. और ये देखिए पीछे नीचे का व्यू है,
नैनीताल हम पहुंच गए हैं, अब 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे ग्राउंड के, ग्राउंड में ये आ गया। पीछे एक जगह और चेक इन हो रही थी, इन्हें फिर उतारना पड़ा, ये चौथी या पांचवी बार है जो इन्हें उतारना पड़ा, बड़ा परेशान हुए। जब भी आप आए तो केवल 2 ही लोग आए बाइक से, और दोनों के पास ये हेलमेट जरूर हो। अभी हम जाते हैं रूम पर अपने जो हमने बुक किया है, और वहाँ पर हमारे ताल पे ही कुछ बंदे खड़े हुए हैं जो हमारे साथ में आए थे। एक्चुअली वो बस से आए थे, हम बाइक से आए थे, तो अब उनके पास हमें जाना है। ठंड लगने लगी है, अब हम जाके रूम पे जाके, और एक सर्विस यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ टॉयलेट बनवा रखा है रास्ते में, जगह जगह आपको टॉयलेट यहाँ देखने मिलेंगे। तो अभी चलते हैं अपने ताल की तरफ जहाँ हमारा रूम है। जिन्हें हम मतलब ढूंढ रहे थे बहुत ज्यादा, ये देखो सलीकर दिशा देखो यहाँ खड़ी हुई है। तो अभी हम फाइनली अपने दोस्तों के पास आ चुके हैं और बहुत ज्यादा धूम मचाने वाले हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और अभी हो चुकी है सुबह, आज है दूसरा दिन। और रात वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि रात हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर आती ही बारिश होने लगी थी, तो रात वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया था। और इतनी जोरों की बारिश हो रही थी, ठंड मुझे ज़्यादा लगी थी, मैं काफ़ी भीग गया था, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और आज जो आज दूसरा दिन है, एक अगली वीडियो बनाऊँगा, और इस उस वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो में भी दे दूँगा, और मेरे चैनल पर वो भी वीडियो रहेगा। तो उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के जो भी पॉइंट्स हैं, लवर पॉइंट, सुसाइड पॉइंट एंड बहुत सारे जो भी हैं यहाँ घूमने की जगह। अब होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।